चाय लेके जा रहे हो? चाय? गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह की आई थिंक 11:15। वॉच तो मैंने पहनी नहीं है और फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज लास्ट डे ऑफ द ईयर है तो सारे लोगों से बातें करते हैं और इन्जॉय करते हैं लास्ट डे ईयर का। कल से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा रेजोल्यूशन भी होगा। मेरा भी था, बताती हूँ आपको थोड़ी देर। तो आज हमारी पुरानी फ्रेंड जो कि मेरी है, हमें मिलने आई है ऑफिस में। इसको भी बेबी बॉय हुआ है, मेरी बेबी गर्ल से इसका बेबी बॉय 5 महीने छोटा है, 4 महीने छोटा है। 5 की तो वही थी जब वो हुआ था, 4 महीने छोटा है। पहले मोटी थी और डिलीवरी के बाद भी चक गई है, चक गई, उल्टा होता है। शादी के बाद भी चक गई है, शायद इसके पति ने ऐसे दुखी रख रखा है। रुचि की जीभ जल गई थी, ये भागवत में गई थी, शिरीन का दूध चेक कर रही थी तो उसकी जीभ जल गई। दिखा दो। मिलते हैं रुचि से भी। तो ये रुचि है, अभी से शर्म आ रही है, हंस रही है। मैं वही रुचि जो पहले मोटी थी। हाँ, पता नहीं कैसे पतली हो गई है, बताओ। बच्चा होने के बाद तो सब मोटे हो जाते हैं और ये इसको देखो तो दुखी रखते हैं क्या तुझे ससुराल वाले हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बस तुम्हें झाड़ू पोछा बर्तन का बस। और बच्चा भी तो है, उससे तो मैं डबल खुश हूँ। तो बस उसी खुशी ने इसको पतला कर दिया है। आधा पतले का कारण वही है। भैया क्या बना रहे हैं? दाल फ्राई है जी। दाल फ्राई है ये? इसमें दाल खाए? दाली तो है सर, ये दाली। अच्छा, दाल है, ओके। और क्या क्या बनाते हो भैया? ब्रेड, समोसा और रोटी। रोटी सब कुछ बनाते हो? लंच, ब्रेकफास्ट, चाय बहुत अच्छी बनाते हैं भैया, हम लोग आके पीते हैं। तुम बताओ तुमने क्या क्या बनाना सीख लिया? अरे मैंने सब उल्लू बनाना सीख लिया, मैंने सब बनाना सीख लिया। सबसे पहले यही सीख गए उल्लू बनाना। तो ये हमारे ऑफिस के पास ही है, वो देख रहे हैं आप, वो मेन रोड है। मेन रोड से अंदर आके बस यहाँ पे भैया का है अपना स्टॉल टाइप्स की एक शॉप, यहाँ से आप लोग खा भी सकते हैं चाय भी। मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं पहले अपनी चाय पी लेती हूँ। नए साल में कितनी रहेगा? बस ये है कि सोच रहे हैं सैलरी बस आधी ना आ जाए और क्या। तो रेजोल्यूशन कोई नहीं है, रेजोल्यूशन होता है जो तुम खुद से करोगे कि मैं अब से पूरे साल ये करूंगा। मीन्स लाइक जल्दी मतलब जिम करूंगा या क्या सोच रखा होता है? क्या करोगे बताओ हमें? नहीं नहीं, वो नहीं बताओगे? वो वैसी वाली चीज नहीं है। आप बताओ भैया। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। क्या करोगे रेजोल्यूशन? कुछ सोचा नहीं है। टाइम पे आओगे ऑफिस? टाइम पे ही आते हो? तो टाइम पे जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो? लड़ोगे नहीं? जिम के लिए टाइम नहीं। अच्छा, कोई रेजोल्यूशन नहीं है? हम आ गए हैं लंच रूम में। सबसे पहले ये सबसे पहले बुक्कड़ आया लंच करने और देखो इसने सर्दियों में चला दिया पंखा, भाई टिटूर के मर जाएंगे। साफ वाली टेबल पे बैठ जाओ, उधर साफ ही है बाकी लोग। और दो भूखे लोग आ रहे हैं, ये एक आया। हाय पंकज, क्या लाए हो लंच में? वाह वाह, बट शेयर नहीं कर सकते ओमनी कोरोना की वजह से। हैं दूर दूर बैठ के चुपचाप खा लो, दे दूंगा। अच्छा, मैं लाई हूँ मोस्टली। अच्छा, तो क्या रेजोल्यूशन रहेगा तुम्हारा किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? नया साल है कल से। नए साल में अच्छी अच्छी चीजें करूंगा, जैसे सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, जैसे घूमना फिरना और जो कोरोना आ रहा है उसी से घर में रहूंगा। अच्छा, ये खुल गया लंच, पालक पनीर। इसमें क्या है? इसमें रोटी होगी। पालक पनीर के साथ कौन राइस खाता है? वो बंदा है, अवेलेबल नहीं है रोटी। ये एक और भुक्कड़ आए जो किसी का लंच शेयर नहीं करेंगे। हाँ, खा लेंगे, अपना दे देंगे, बट खाएंगे नहीं दूसरों का। क्या पता किसी ने कुछ मिला रखा हो जो जिससे ये जायदाद के लिए साजिश हो रखी या कोई ने अपने वश में कर ले इसलिए। हाँ जी, तो क्या रेजोल्यूशन रहेगा कल से आपका? मेरा रेजोल्यूशन रहेगा जो मैंने बहुत पहले लिया था। क्या? कि अब मैं न्यू ईयर का कोई रेजोल्यूशन ही नहीं। ये मेरा 5 साल पुराना रेजोल्यूशन जो अभी तक चल जा रही है। क्या लाए हो आज? बेटा गाड़ी चला गया। माँ का प्यार, माँ का प्यार। हाँ तो बांटो माँ का प्यार। हाँ जी अक्षय, अक्षय अक्षय क्या लाया? कड़ी और उसमें रोटी या चावल? या बंदे कम हो गए हैं आज। हाँ, अक्षय का क्या रेजोल्यूशन रहेगा कल सही न्यू ईयर से? साल के साथ नई शुरुआत करो, दो बंदे बहुत मेहनत करनी है हमें और इस साल को हैप्पी बनाना बस।
कोई जिम कोई वैसा वाला रेजोल्यूशन नथिंग। मार्च से फिर से जिम ज्वाइन करना है। ये रेजोल्यूशन होते हैं न्यू ईयर पे लिए जाते हैं, चाइना प्रोडक्ट की तरह होते हैं, चले गए नहीं, ये टिकटॉक की तरह होते हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। अच्छा तो नहीं लेना चाहोगे कोई इसमें तो ले ली। साल जिम करना है, वेट लॉस करना है बस। बताओ कि तुम्हारा क्या रेजोल्यूशन रहेगा, कल से न्यू ईयर है। अभी ये देखो इतने निकम्मे हो। हाँ तो नहीं सोचा, नहीं पता, तुम्हारा श्रग बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू कहो अपने सेंटा को जो सामने बैठे। हाँ बताओ बताओ बताओ, फिट रहना है। फिट तो तुम पहले से ही हो, जीरो फिगर, और कितना फिट रहना है, एक्सरसाइज करनी और वैसे फिजिक वैसे भी फिट रहो बाबू, जैसे कि बीमारियां ना हो, खुश रहो, हैप्पी रहा करो, मेरे साथ रहा करो तुम, खुश रहोगी है ना। मैं तो चिल मारती रहती हूँ सर। हाँ बताए कल से क्या रेजोल्यूशन लेना चाहेंगे आप। कल से मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया, रुचि एंड शिरीन व्लॉग्स। मैं ये वीडियो का ठीक से डायरेक्शन करूंगा। ओके, देखूंगा कौन मास्क पहन के वीडियो बना रहा है और कौन नहीं। व्हाट एल्स, अपने लिए कुछ करना चाहोगे? ये तो आपने मेरे लिए कर दिया, एंड थैंक यू सो मच। अपने लिए देयर आर फ्यू सरप्राइजेस व्हिच आई विल लेट यू नो इन द कमिंग ईयर। अच्छा बताओगे? नहीं आज सरप्राइज तो सरप्राइज है। ओके, नए साल में क्या रेजोल्यूशन रहेगा आपका? सब स्वस्थ रहे, कोरोना का इफेक्ट ज्यादा ना पड़े किसी को भी, बस बस इसी का डर है सबको। सही बात, फिर से बोलो सर किस टाइम है। हाँ तुमने अपना रेजोल्यूशन बताया। रेजोल्यूशन मेरा मेरा रेजोल्यूशन तू अच्छा आ रहा है वीडियो में, पता नहीं कैसे। अच्छा चल बता। नहीं सीक्रेट है, बता दे। अच्छा एक दो रख लो, एक जो सीक्रेट है एक हमें बता। मेरे को उन लोगों को मनाना है जिनसे मैंने लड़ाई करी है। अच्छा गलती मेरी नहीं थी, दूसरों की थी। हैप्पी न्यू ईयर, हमारे लाजू की हैप्पी न्यू ईयर ले लो भाई। मिशेल पहली तारीख को जिम वालों की इतनी बढ़िया वो कमाई होनी है, 10,000-20,000 एक ही दिन भैया, रोज आएंगे रोज आएंगे। एक हफ्ता मुश्किल है, बस हो गया, बस की नहीं है। हेलो, तो आज है लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो सारे लोगों की जल्दी छुट्टी हो गई है। एज यू कैन सी नोबडी इज हियर एक्सेप्ट टू और थ्री पीपल। तो बस आई होप सबका सबका नया नया साल अच्छा अच्छा जाए। और कल को तो मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो हम मस्ती करने जाएंगे। हाँ जी, ये देखो ये सब मेरा वेट कर रहे हैं, सबको वीडियो में आना है। अच्छा और बस भगवान जी से प्रे करो कोरोना ना फैले, नहीं तो फिर कोरोना फैल जाता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि ऑफिस नहीं आ पाते डेली, ऑल्टरनेट डेज हो जाता है, सबसे मिल नहीं पाते, मस्ती नहीं कर पाते, लंच शेयर नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें होती हैं। और हाँ सबसे सबसे जो दुख वाली बात ये होती है कि सैलरी ऑफ हो जाती है। ऑल्टरनेट में किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऑल्टरनेट में किसी को दिक्कत नहीं है, सब मस्ती करेंगे, सब अपना काम करेंगे। अगर सैलरी फुल मिलती रहे, घर पे बिठा के दे लो इन लोगों को, ये तो और ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन द थिंग इज यस, बट द थिंग इज की हाँ कोई इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहेगा? सब बेचारे इंटरनेट हो जाए, पर फिर कहते किसी की सैलरी नहीं कटने दूंगा, वर्क फ्रॉम होम में सुबह आराम से उठेंगे। ओ हो हो, उठेगा भी नहीं और फिर शीशे में पानी डाल के ऐसे करेगा, आहा ठंड बहुत है नहा लिया मैं। हाँ जी तो चलो फाइनली जल्दी छुट्टी हो गई है, इतनी खुशी हो रही है। एक तो पता है क्योंकि जाते जाते रात हो जाती थी, आज तो अभी रात ही नहीं हुई, शाम हो रही है। देखो सारे मस्त, इन्हें समझ में नहीं आ रहा घर जाना है या वापस आना है। वापस आ गया, देखो वापस आ गया, मंडे के लिए जल्दी आ गया। लोगों को ना मतलब डाइजेस्ट भी हो रही है, जल्दी छुट्टी हो गई है ना, सब किसी का मन ही नहीं कर रहा घर जाने का, कहते हैं जल्दी छुट्टी हो गई है, लौट लौट के वापस आ रहे। देखो एक और आया, एक और आया। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, एक सेकंड सुनो, हैप्पी न्यू ईयर। अपने अपने रेजोल्यूशन तो बताकर जाओ, क्या करोगे नए साल में? डाइट तो करेंगे, सबसे पहले तो बहुत मौज करना है। ये मौज करना, ये उनमें से है भाई, मैं पार्टी घर जाके कर लूंगा। और अंकल आप क्या करोगे नए साल में? मुबारक हो आपको भी, नए साल में क्या करोगे नया? आप देखेंगे, पहले देखेंगे सोचेंगे फिर बताएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।
अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे? मस्त है, आगे सुरक्षित रहो।